हेलो एवरीवन, आई एम राशिद खान फ्रॉम लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोला बाजार गोरखपुर, क्लास 9। टुडे वी विल हैव टू गो थ्रू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ऑन विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, सो सब आपका क्वेश्चन ऑन विच वी हैव अर्लियर डिस्कस एंड नाउ डिस्कस मोर ऑन इट। वी विल डिस्कस ओवर हियर एज द फॉर्म ऑफ कोलाइड। What does it mean about that the collide? What is the collide? Collides are those particular type of substances, or we can say it is the collide is the type of a solution in which the size of the particles is larger than that of the solution as well as the suspension, or we can say the size of the solute particle is more than that of the suspension and solution. Or hum ye keh sakte hain the size of the solute is between, or it remain between the suspension and solution, right? What it is, the size of the particles of solute of a collide is remain in between the suspension and as well as solution. So what would be the exact size may be measured about? इसकी size क्या हो सकती है, कितना हम लोग measure कर सकते हैं? इसकी size वही होगी जैसे suppose करिए 10^-7 है और इसका 9 है ना, ये -7 है, तो इसके बीच वाला जो साइज होगा वो होगा क्या, दैट इज -3 to -6, यानी इन दोनों के बीच वाला जो साइज होगा वही क्या होगा, वो कोलाइड हो जाएगा, राइट? वी ऑब्जर्व्ड एज आर दैट कुड बी सेड एज अ कोलाइड। यस बोलो क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे द कोलाइड कैन बी ऑब्जर्वेबल एंड दिस पार्टिकल कैन बी सीन बाय आवर आईज एज वेल एज अ सोप सॉल्यूशन। यस, वो क्या हो जाएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कोलाइड। क्यों इसको हम क्यों कहेंगे सोप सॉल्यूशन को कोलाइड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से, ये दिखाई दे सकते हैं, हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसीलिए सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन कहेंगे, या ये क्या कहलाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब देखिए, ब्लड ले लीजिए, जेलीज ले लीजिए या मिल्क ले लीजिए, दीज आर ऑल द टाइप ऑफ, हाँ, क्रीम ले लीजिए, these are all the type of colloidal solution, and in this colloidal solution these are all the kinds of a colloids or colloidal solution, okay? ab hum log dekhenge properties iski kya ho sakti hai, what is the properties of colloids। कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट क्या, नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी, इसका जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, इसका मिक्सचर कैसा होता है, होमोजिनस होता है या हेट्रोजिनस होता है? तो इट इज अ टाइप ऑफ अ हेट्रोजिनस, नहीं हेट्रोजिनस सस्पेंशन और कोलाइड दोनों ही क्या रहते हैं, हेट्रोजिनस रहते हैं, सिर्फ एक ही होमोजिनस, हाँ, सिर्फ एक ही होमोजिनस है, और वो कौन है, वो है ट्रू सॉल्यूशन, या जिसको हम लोग सॉल्यूशन
हाँ, जिसको सल्यूशन कह रहे हैं। क्लियर है? दूसरा है कि पार्टिकल साइज इसकी कितनी रहती है। द पार्टिकल साइज मस्ट बिटवीन द पार्टिकल साइज मस्ट बिटवीन द हाँ बिटवीन द सल्यूशन एंड सस्पेंशन। इट्स सल्यूट इज द साइज ऑफ अ सल्यूट इज रिमेन इन बिटवीन द सस्पेंशन एंड सल्यूशन, दैट इज फ्रॉम 10 to the power -9 एंड इन बिटवीन टू 10 to the power -3 to -6। इज इट ओके टू एवरी वन? बीच का पार्टिकल्स है तो आप उन दोनों के बीच के रेशियो में -3 या -4 दोनों को ले सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, द पार्टिकल साइज इज रिमेनिंग इन बिटवीन द सस्पेंशन एंड कोलाइड एंड दोज पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड कैन बी फिल्टर्ड। इट कैन बी फिल्टर बट द कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई द फिल्टर पेपर। ये फिल्ट्रेशन इसका हम कर सकते हैं बट कोई भी फिल्टर्ड इसमें हमें नहीं मिलेगा। डिफरेंट काइंड एज वी नो दैट दैट इज अ हाइड्रोसॉल, एरोसॉल, लिक्विड सॉल, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूड के फॉर्म में होता है, फ्लूड के फॉर्म में होता है। तो ये बहुत सारे कोलाइड्स के फॉर्म हो सकते हैं। और कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम ये लाइट बीम को क्या कर सकते हैं, लाइट बीम को स्कैटर्ड कर सकते हैं। अभी तक देखा आपने सस्पेंशन और सॉल्यूशन स्कैटर्ड नहीं हो रहे थे, स्कैटर्ड आसानी से कर देंगे। यानी ये जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा। सपोज करिए लाइट ऐसे जा रही है और ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा। दिस प्रॉपर्टीज ओनली कैन शोन बाय कोलाइड्स आर द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ओनली कैन स्कैटर द लाइट पासिंग ऑन देम। ऑन दैट बिहाफ देयर इज अ टू प्रॉपर्टीज नोटेड। फर्स्ट वन इज द zigzag motion, or it is also called as Brownian motion. Yes, Brownian moment. And second one is Tyndall effect. Yes, Tyndall effect. So if we can be able to see about the colloidal solution, there is a particles, they can be found move here and there very faster in a zigzag manner. Zigzag manner means particles may be move here from here and there. So for that, this can have a zigzag moment, and this moment is called as Brownian moment. The particles of the colloidal solution is moved very fastly in a random moment, or in a here and there, in a very faster moment here and there, and that particular type of a moment is termed as Brownian moment. Why it is termed as Brownian moment? Because it can be firstly observed by the Brownian, a scientist name. On that particular scientist name, it is called as the Brownian moment. हाँ? Yes? क्या हुआ? क्या? तो भी कोई भी फिल्ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। अरे अब आप इंक ले लो, इंक को फिल्टर करोगे, मिल्क को फिल्टर करोगे, उसमें कोई प्रॉपर्टीज दिखाई देगी आपको, कोई मिलेगा पार्टिकल्स? या हम कह सकते हैं फिल्ट्रेट जो है वो मिलेगा क्या? हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जर्वेबल होता है कोलाइड के केस में, तो हम कोलाइड का एग्जांपल दे सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, देखिए ट्रू सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में आसानी से लाइट स्कैटर्ड नहीं करता है। कौन बोल रहा जी? पहले अपना माइक, सब माइक ऑफ करो, तो सब माइक ऑफ करो। अब ये जो लाइट आप देख रहे हो सॉल्यूशन में या ट्रू सॉल्यूशन के अंदर,
लाइट स्कैटर नहीं करता, चाहे सस्पेंशन हो चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। सपोज करिए कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब हो या एक कोई ग्लास का कंटेनर हो, इसमें क्या रखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लोग लाइट पास करेंगे तो ये लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा, इस केस में ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कैन स्कैटर्ड लाइट, दैट कैन स्कैटर्ड द लाइट। नहीं तो जैसा लेंस लगाओगे उसी टाइप का होगा ना, लेंस डाइवर्जिंग लगाओगे डाइवर्ज होगा, कन्वर्जिंग लगाओगे कन्वर्ज होगा। हाँ, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। व्हाई दिस कैन बी फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय द टिंडल, अ साइंटिस्ट नेम, ऑन दैट बेसिस ऑन हिज नेम दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज टिंडल इफेक्ट। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि वेन एवर द लाइट पासिंग थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन इट स्कैटर्ड द रेज ऑफ अ लाइट। यहां से क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग होने की वजह से इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये सिर्फ किसमें ऑब्जर्वेबल है, ये सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन में ऑब्जर्वेबल है, ये कभी भी सस्पेंशन या सोल्यूशन में पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो दो तरह के मोमेंट है, एक आपका मोमेंट है जो पार्टिकल्स का वो जिगजैग मोशन में होता है, और उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं या ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। दूसरा एक पार्टिकल्स का क्या होता है, जब लाइट उसके ऊपर जब लाइट उसके ऊपर प्रोजेक्ट की जाती है तो लाइट को वो क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। आप कभी भी कोई एक सिरप ले लीजिए, सिरप के ऊपर देखोगे जब उसको लाइट जलाओगे तो लाइट सीधा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, लाइट क्रॉस होगा तो आसानी, हाँ डाइवर्ज कर जाएगा, तो उसमें से वो लाइट थोड़ा सा स्कैटरिंग दिखाई देगा, स्कैटरिंग नेचर का। और यही स्कैटरिंग नेचर आपका क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका टिंडल इफेक्ट। ओके, ये हो गया टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोमेंट। अब क्या बच रहा है, हाँ बोलो, किसमें, टिंडल वाले में, कोलाइडल में, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए, द कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, व्हाट आर दीज, दीज आर द सॉल, दैट इज सॉलिड सॉल, फोम, जेल, एरोसॉल, फ्लूइड, ये बहुत सारे टाइप्स हैं, इमल्शन, सॉल, फोम, जेल, एरोसॉल, फ्लूइड, इमल्शन, फोम, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोलाइड्स। क्या हुआ, अच्छा फोम लिखा गया, हाँ यहाँ पे ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके बुक में दिया हो, चेक कर लो फिर भी। पेज नंबर कहाँ, 53 है, 53 पे देख लो होगा, 53 पे,
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटलाइड है, तब 66 पे देख लो मिला। अरे यहां देखो, छोड़ो जाने दो, बुक पे मत देखो, यहां देखो सॉल क्या है। सॉल सॉल वो है, जैसे कि आप सपोज करिए कि किसी एक सॉलिड को लिक्विड में हम लोग देखते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल, तो कर्ड में जो उसका कोगुलेटेड होता है, कोगुलेशन उसका जो पार्ट है उसको कह सकते हैं। यहां पे देखिए ये इंक है, ये सॉलिड है, स्टार्च है सॉलिड, पेंट है सॉलिड। अब इनको जब हम लोग लिक्विड के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल का फॉर्म बनेगा, या जिसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। और ये टाइप कौन सा हो गया, सॉलिड इन लिक्विड सॉल, और ये टाइप ऑफ सॉल है। हाँ, ये एक टाइप ऑफ सॉल है, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। माइक अपना ऑफ करिए, सभी अपना माइक ऑफ करिए, जब बोला जाएगा तब बोलिएगा, किसी में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी का माइक जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ ठीक है, सॉलिड सॉल इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्ट इन विच सॉलिड गेट मिक्स्ड विद अ सॉलिड गेट मिक्स्ड इन अ सॉलिड एज वेल, सॉलिड इन सॉलिड सॉल, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्ट। लाइक इन केस ऑफ अ स्टोन, इफ देयर इज अ जेम्स आर कलर्ड स्टोन, यू कैन से द स्टोन, सपोज इफ देयर इज अ स्टोन एंड हेयर इज द डिफरेंट कलर्स यू कैन सी, सो दैट वन इज कंसिडरिंग टू वॉट, दैट इज जेम स्टोन्स, वॉट इट इज सेट टू बी, इट इज कॉल्ड एज अ जेम स्टोन्स। सो हेयर इज अ स्टोन्स एंड इन विच दीज आर द जेम्स, सो जेम्स आर सिचुएटेड आर जेम्स आर एम्बेडेड इन टू द स्टोन्स, दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल। ये क्या है, सॉलिड एंड सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल है। इनकेस सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, और यू कैन सी द एरोसॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोसॉल। एरोसॉल मीन्स द सॉलिड मटेरियल विच इज डिजॉल्व इन गैस और सॉलिड इन गैस और एयर, यस गैस और एयर। व्हाट आर दीज, दीज आर द स्प्रे पेंट्स, लाइक अ स्प्रे पेंट, दैट इज द गैस आर द एयर इन विच द पेंट्स गेट डिजॉल्व, सो दैट वन इज कंसिडरेबल टू एज द सॉलिड डिजॉल्व इन एयर एंड दैट वन इज टर्म्ड एज एरोसॉल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के गाड़ियों पे पेंट पे पेंट छूट जाता है, तो उसको पेंट यूज करने के लिए, पेंट करने के लिए एरोसॉल का यूज करते हैं, स्प्रे रहता है, स्प्रे मार देते हैं, उसका कलर आ जाता है, जिस भी कलर में वो गाड़ी का कलर होगा वो कलर पेंसन, जो एक्चुअली क्या होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इमल्शन। तो इसमें सपोज करिए कि क्रीम है, क्रीम के अंदर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉफ्ट फॉर्म में, इसमें भी बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हैं, बटर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, बट उसके साथ साथ क्या होता है ये इमल्सिफाई होते हैं या ऑयली होते हैं, फैटी होते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। एंड इमल्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ व्हाट, कोलाइड, ये भी कोलाइड, घी आपका आ जाएगा इमल्शन के ही टाइप में, ये जो बटर है या फैट है वो भी इसी में आ रहा है ना, तो इमल्सिफाई वो भी है। ओके नेक्स्ट, जैम कौन सा, खाने वाला जैम, हाँ तो वो आ जाएगा आपका सॉलिड इन सॉलिड, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड।